हाय फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में हम देखेंगे होटल में नया टूल लेने में आपको बहुत ज़्यादा आदमी को स्टोरेज इशू का प्रॉब्लम्स बता रहा है, उसमें से कैसा हमारा डिवाइस को रेक्टिफाई करना चाहिए उसका क्लियर वीडियो है ये वीडियो। इसमें अभी देखो, मैं सिस्टम प्रोग्राम डाउनलोड में रखा हूँ, अभी ये 100% हुए बाद में इंस्टॉल नहीं होगा है। अभी बहुत ज़्यादा होटल डिवाइस में ये वाला जो छोटा प्रॉब्लम आ रहा है, वैसे ही आया तो कैसा रेक्टिफाई करना चाहिए उसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, थोड़ा क्लियर से देख लीजिए। अभी देखो, हमारा सिस्टम प्रोग्राम अपडेट हो रहा है। एटी नाइन परसेंटेज हो गया, चलो 91। अभी इसमें 100 हो गया, लेकिन अभी इंस्टॉलेशन के टाइम में थोड़ा इसके अंदर गड़बड़ आ रहा है। अभी देखो, इंस्टॉलेशन हो गया 80%। ये 100 हुए बाद में फेलियर आ जाएगा, वापस क्या बोलेगा, इनसफिशियंट स्टोरेज, इसको कैसा रेडी करना चाहिए। आप इस अपडेटिंग ये देखो, इसके अंदर अभी बता रहा है इनसफिशियंट स्पेस फॉर अपडेट्स, ऐसे ही आने के टाइम में आप टेंशन मत लो, इसको ईसी से हमारा डिवाइस से ही अभी सब कुछ क्लियर कर सकते। अभी इसमें क्या डाला है, एरेस एवरीथिंग, द डिवाइस विल बी ऑटोमेटिकली रिबूट फ्रॉम द कंप्लीट फ्रॉम द क्लीनिंग ऑफ इंटरनल स्टोरेज स्पेस, इसको ओके कर देना। ओके करे बाद में हम जो ओपन करेंगे सेटिंग्स, अभी देखो इंस्टॉलेशन हमारा नहीं हुआ पा रहा है। अभी इसको सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाए बाद में सिस्टम सेटिंग्स है, इसके अंदर देखो रीसेट कर का ऑप्शन आएगा, ये रीसेट ऑप्शन में जाके आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट करना पड़ेगा। अभी रीसेट टैबलेट कर दो, इसके अंदर एरेस एवरीथिंग कर दो, अभी ये जो रीबूट होने के लिए चालू हो जाएगा। ऐसा रीबूट करने के बारे में इसके अंदर छोटा मोटा जंक फाइल्स है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको ऐप अपडेट करने के लिए स्पेस तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ ऐप का हमारा जो पुराना डेटा है और थोड़ा जंक फाइल्स है, ये सब कुछ स्टोरेज इश्यू को मेन रीजंस है। अभी देखो रीबूट हो रहा है हमारा डिवाइस, रीबूट होने बाद में सारे फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, सारे सॉफ्टवेयर्स भी इसके अंदर रहना को, अभी कैची फाइल्स है और जंक फाइल्स है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी ये हुए बाद में अभी जो अपडेट करके देखेंगे, अभी देखो हमारा सिस्टम तो कम्प्लीटली रिबूट हो गया। अभी जाएंगे मैक्सी आईएम, ये जो पुराना टूल में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है एंड ऑल्सो नया टूल में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखो न्यू वर्जन डिटेक्ट हो रहा है, सब कुछ अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए ये प्रोसेस को थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी तो इसके अंदर 11 सॉफ्टवेयर्स है, ये सब कुछ वन बाय वन अपडेट होने के लिए चालू हो गया। ये स्टेप्स आपको पड़ेगा मिनिमम 5 to 8 मिनट्स पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा मैं स्किप कर लेता हूँ। अभी देखो हमारा अपडेट्स खत्म होने जा रहा है न्यू वर्जन का, नाइन्टी वन परसेंटेज का ये होए बाद में ऑटोमेटिकली सिस्टम रीस्टार्ट होगा। अभी वापस क्या करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, इंस्टॉल हो गया,
अभी इसके अंदर क्या करना, अपडेट सेलेक्ट करना चाहिए। अभी इसका अग्री कर देंगे, एक्सेप्ट। अगर न्यू वर्जन्स कुछ भी आने वाला है, अभी आ गया, वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा यही मेथड पे। इसको अग्री कर देना। इंस्टॉलेशन द डायग्नोस्टिक्स फ्रॉम द सर्वर, हो गया। अभी अपडेट ओपन करेंगे। अभी फैक्ट्री डेटा रीसेट हो चुका है, हमारा वाईफाई का सेटिंग सब कुछ मॉडिफाई हो जाएगा। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं वापस वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया। अभी इसको अपडेट करने के लिए रीलोड करेंगे। जो पेंडिंग अपडेट्स क्या क्या अवेलेबल था वो इधर पे आ जाएगा। अभी देखो इसके अंदर अपडेट ऐप और रिमूव प्रोग्राम है। पहले वन बाय वन से अपडेट करना चाहिए। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ऐप को अपडेट कर रहा हूँ। ये भी डाउनलोड हो गया, वापस इंस्टॉल होएगा। वापस अपडेट के अंदर जाएंगे। इसमें देखो हमारा ऑलरेडी एक अपडेट तो हो गया, वीमो प्रोग्राम अपडेट करेंगे। ये तो थोड़ा बड़ा फाइल है, उसके लिए इसका भी थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, मतलब स्किप कर लेता हूँ। क्यों, मतलब आपको सारे इमो फंक्शंस भी अपडेट होने में 5-10 मिनट लगेगा, उसके लिए इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ये जो अभी हमारा इमो प्रोग्राम मतलब इमोबलाइजर का सॉफ्टवेयर सब कुछ डाउनलोड हो रहा है। और एक बात बोल रहा हूँ, अभी जो फैक्ट्री रीसेट करने में आपको जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल था वो फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। क्यों, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन नहीं है, फैक्ट्री रीसेट करने में आपको वापस अपडेट करने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो एक बार ध्यान से काम कर लेना। अभी देखो इमो प्रोग्राम कंप्लीट होने जा रहा है। पहली बार तो इनसफिशिएंट स्टोरेज स्पेस आया था, अभी देखो इंस्टॉल होने के लिए चालू हो गया। कभी आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना उसके पहले इमो और सिस्टम अपडेट और ऐप अपडेट बताया तो उसको ही पहले अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही सॉफ्टवेयर सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा। अभी जो इंस्टॉलेशन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी हमारा इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया। अभी वापस मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे डिवाइस को स्विच ऑन कर रहा हूँ। अभी इसको पावर बटन लॉन्ग प्रेस करने में हमारा सिस्टम जो वापस ऑन होएगा, इसको ऑन कर लेंगे।
अभी वापस सॉफ्टवेयर अपडेट जाके हम जो अपडेट्स में चेक करेंगे, जो अभी अपडेट किए थे वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है नहीं है अभी पता चला जाएगा। अभी हमारा ऐप अपडेट हो गया, ऐप ओपन हो गया, इमोबलाइजर फंक्शंस भी अपडेट हो चुका है ऑलरेडी। इनिशियलाइजिंग हुए बाद में वापस अपडेट में जाके चेक करेंगे, इसका रीज़न है आपको बहुत ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइल्स होगा, अभी जो नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जंक फाइल्स होगा, इसका ये है रीज़न। अभी जो कैची फाइल सब कुछ क्या कर देगा, स्टोरेज को स्ट्रक हो जाएगा, अभी उसको यही तरीका से निकाल सकते हैं। अभी देखो हमारा इमो प्रोग्राम ऑलरेडी डाउनलोड हो गया, उसको अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल होए बाद में आपको दूसरा सब कुछ एप्लीकेशन अपडेट करना चाहिए, वो तो अपडेट हो जाएगा। इसमें इमो सॉफ्टवेयर और डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर अपडेट करने के पहले इमो प्रोग्राम है और सिस्टम अपडेट है और ऐप अपडेट है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद ही सिस्टम अपडेट करना है, सॉरी उसके बाद ही आपको ऐप अपडेट करना चाहिए। अभी देखो हमारा इमो प्रोग्राम डाउनलोड होके अभी इंस्टॉल भी हो गया, 98-100% हमारा इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया। इसको ओके करने में वापस एक बार रीस्टार्ट होएगा। अभी इसको ओपन करेंगे, ऑलरेडी जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको वापस इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अभी इसके अंदर स्टोरेज से आपको अनवांटेड ऐप्स है, आपको जो चाइनीज़ गाड़ी यूज़ नहीं कर रहे और बड़ा सॉफ्टवेयर कुछ यूज़ नहीं कर रहे उसको डेटा मैनेजर से आपको अनइंस्टॉल भी कर सकते, जो चाहिए वो आप खाली इंस्टॉल करके रख सकते, क्यों मतलब अब बहुत ज़्यादा ग्लोबल व्हीकल्स है, हमारा चाइनीज़ व्हीकल्स है, उसको हम जो इधर पे इंडिया पे यूज़ नहीं करेंगे उसको आप स्पेस बचाना चाहिए, आपको डेटा मैनेजर से वो ऐप अनइंस्टॉल भी कर सकते। अभी देखेंगे इमो अपडेट में क्या क्या अवेलेबल है। अभी देखो पोर्शे खाली है। अभी डायग्नोस्टिक में जाएंगे, डायग्नोस्टिक्स में एक बात बोल रहा हूँ, अभी हमारा BS6 का नया सॉफ्टवेयर अभी आया है, अभी अपडेट आया है, इसके अंदर आपको XUV700, स्कॉर्पियो एन और बोलेरो नियो XUV300 इसका शूट मास और DPF का बहुत बढ़िया अपडेट आ चुका है, एक बार उसको भी चेक कर लेना। आपको शूट मास 50% तक अभी रीजनरेशन में ही क्लियर कर सकते हैं, ये तो बहुत बढ़िया अपडेट है। डायग्नोस्टिक्स में आपको जो आप चाहिए उसको डाउनलोड कर लेना विदाउट एनी लैग, अभी तो डाउनलोड होने के लिए चालू हो जाएगा। अभी देखो हमारे चार सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, सब कुछ अपडेट हो गया। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करे बाद में आपको सारे अपडेट्स भी करना चाहिए, आपको बल्क अपडेट भी कर सकते। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को जो चाहिए सिलेक्टेड ऐप्स है वो खाली मैं अपडेट कर लेता हूँ। यही मेथड रख के आपको सिस्टम और स्टोरेज इशू का हमारे पास से सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी जो भी ऐप्स है आपको इंस्टॉल करने में और डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सॉफ्टवेयर से अपडेट करने में आपको दिक्कत आ रहा है, स्टोरेज इश्यूज है, यही तरीका से आपको काम कर सकते हैं। अभी जो सारे अपडेट्स हो गया सिस्टम और इमो प्रोग्राम और ऐप सब कुछ अपडेट हो गया, अभी मैं बल्क अपडेट भी कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो ट्रबल्स है होटल में और टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर्स और सब कुछ डिटेल्स मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ, थंबनेल में भी मेरा नंबर अवेलेबल है, उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज का डिटेल्स सब कुछ दिए, जैगुआर ऑटोट्रॉनिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और होटल का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स और ऑफर जोन सब कुछ आने वाला है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो करके रख लो। बहुत ऑटोमोटिव टूल्स के लिए सारे इंक्वायरीज तो अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीन में भी मेरा नंबर दिया हूँ, उसको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।